हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला 8 मार्च को, उसके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होता है आपको सबसे पहले और 100% जेन्युइन न्यूज़ जो प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में 10 प्रश्न जो आपके हिंदी से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों की जो संख्या होती है, कुल संख्या ये 52 होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दोस्तों, सन्मार्ग का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, सन्मार्ग का जो संधि विच्छेद होता है ये सत प्लस मार्ग होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों, नरसिंह में जो है प्रयुक्त समास आपको बताना है। तो नरसिंह में जो प्रयुक्त समास होता है ये कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होता है वो विष्णु होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द दिया रहे, ठीक है, पूछा जाए कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो आपके ऑप्शन में सुरेंद्र, सुरेश या देवेश जो भी रहे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, आगमन जो है ये किसका विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए, आगमन जो है ये निर्गमन का जो है विपरीतार्थक शब्द है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, कि घटनाओं का जो है कालक्रम से किया गया वर्णन जो है ये क्या कहलाता है। तो देखिए, घटनाओं का जो कालक्रम से किया गया वर्णन जो है ये इतिवृत्त कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों, बादल का जो है तत्सम शब्द क्या होगा। तो देखिए, बादल का जो है तत्सम शब्द होगा ये आपका घना होगा, सॉरी घन होगा। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, अनुवाद में जो है ये आपका अनुउपसर्ग है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना, इस जो है मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए, दांतों तले उंगली दबाना का जो मुहावरे का अर्थ होता है ये आश्चर्यचकित होना होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों, इनमें से जो है सही शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए, ये जो आपका गलत है यहाँ पे परलौकिक, ठीक है, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। ये जो पारलौकिक है ये आपका सही है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि साथ ही साथ जो है आप अपने अटेम्प्ट भी जरूर करते चलिएगा, और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। अगर आप जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा कि आपके जो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब जो हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है ये रुड़की में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रशासक कौन होता है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासक होता है ये उप राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, बेंग किसले निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र के साथ जुड़ा नाम है। तो देखिए, बेंग किंग्सले जो है ये चलचित्र क्षेत्र से जो है जुड़ा नाम है। तो चलचित्र जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में जो है तीलियों की संख्या कितनी होती है। तो भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें जो अशोक चक्र की तीलियों की जो संख्या होती है ये 24 होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है किस नेता की हत्या नहीं की गई थी। तो देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे नेता थे जिनकी हत्या नहीं की गई थी।
तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रीय परिषदों की जो है अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए क्षेत्रीय परिषदों की जो अध्यक्षता करते हैं ये गृह मंत्री करते हैं, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है, तो देखिए जनरल रोमेल को जो है डेजर्ट फॉक्स भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों किस लोकसभा का जो कार्यकाल है ये बढ़ाया गया था, तो पांचवी की ऐसी लोकसभा थी जिसका जो कार्यकाल है ये बढ़ाया गया था, तो पांचवी लोकसभा जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है ये किस परिस्थिति में जो है रिट जारी कर सकता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ये मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो है रिट को जारी कर सकता है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो रंगीन टीवी का प्रसारण जो है ये कब से शुरू हुआ था, तो देखिए भारत में जो रंगीन टीवी का प्रसारण है ये 1982 ईस्वी से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी आईएमएफ की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को जो पूरा करने के लिए की गई थी, तो देखिए आईएमएफ की जो स्थापना है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने के लिए और व्यापार संतुलन के वैषम्य को जो है कम करने के लिए जो है इसका उद्देश्य को जो है पूरा ये उद्देश्य के लिए रखा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि भारत में जो सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है, तो देखिए भारत में जो सिंचाई की सबसे लंबी नहर का जो नाम है ये इंदिरा गांधी नहर है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों दंड नुआई यानी डायलेक्टिक्स, ठीक है, शब्द किसका संकेत करता है, तो ये जो डायलेक्टिक्स है ये सैद्धांतिक संघर्ष का जो है संकेत करता है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों TIFR यानी जिस इसका जो फुल फॉर्म होता है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च होता है, ठीक है, और इसके संस्थापक निदेशक कौन थे, तो ये जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, तो TIFR का जो संस्थापक निदेशक थे ये AJ भाभा थे, तो HJ भाभा जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले जो है प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है, तो देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी का निर्धारित जो न्यूनतम आयु होना चाहिए ये 25 वर्ष होना चाहिए, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जो है लोकसभा में किन दो राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जो है लोकसभा में जो है दो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से जो है कौन सा कर जो है संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः जो है केंद्र सरकार को सौंपा गया है, तो देखिए ये जो आपका निगम कर है ये संविधान द्वारा जो है केवल और पूर्णतः जो है केंद्र सरकार को सौंपा गया था, तो निगम कर जो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की अवधि जो है ये कितनी होती है, जिसको इंग्लिश में जो है CAG बोलते हैं, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसका जो है कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल होता है, ठीक है, तो इसकी जो नियुक्ति की अवधि होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि बिना दुर्ग के एकमात्र जो है सिंधु नगर कौन सा था, तो देखिए बिना दुर्ग के जो एकमात्र सिंधु नगर था ये आपका चन्हू दारो था, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों अशोक ने जो तृतीय बौद्ध परिषद जो है ये कहाँ बुलाई थी, तो देखिए अशोक ने जो तृतीय बौद्ध परिषद बुलाए थे ये पाटलिपुत्रा में बुलाया था, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो देखिए सिकंदर महान के जो शिक्षक थे ये अरस्तु थे, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित संधियों को जो है
काल क्रम अनुसार रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो सबसे पहले जो संधि हुआ था ये सालाबाई की संधि हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है श्रीरंगमपट्टनम की संधि हुआ था, उसके बाद बसिन की संधि हुआ था, उसके बाद अमृतसर की संधि हुआ था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, मदुरई तक जो है सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। तो देखिए मदुरई तक जो सफलतापूर्वक बढ़ने वाला जो दिल्ली का जनरल था ये मलिक काफूर था। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है कौन सी साहित्यिक रचना जो है शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका साहित्यिक रचना है ये मेघदूतम है, जो कि संस्कृत साहित्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में जो है बिहार का सूबेदार कौन था। तो ये जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। आपके ऑप्शन में दरिया खान नूहानी, ऑप्शन बी में शेर खां, सी में हसन खां और डी में आपका महमूद लोदी, ठीक है। तो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।